हाय अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू द वीडियो और व्लॉग। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। वीडियो आगे जाने से पहले बस इतना कहना है कि लाल कलर का जो बटन दिख रहा है सब्सक्राइब वाला, उसको दबा दें, थैंक यू। आज का दूसरा दिन है केरला ट्रिप का, सेकेंड डे इन वायनाड। सुबह में हम उठे थे 9:30 कुछ, फ्रेश होके निकले हैं, अभी बाहर जा रहे हैं नाश्ते के लिए। आज का जो प्लान है, थोड़े प्लेसेस हैं जिसको हमने सोचा था विज़िट करने का, तो वही चलते हैं विज़िट करने के लिए। हमारे पास सिर्फ एक हफ्ता है, इसी एक हफ्ते में जो प्लान मैंने बनाया है फ्यू लोकेशंस घूमने का केरला में, उसमें से पहला लोकेशन है वायनाड, दूसरा है कोच्ची, तीसरा है मुन्नार। कोडाईकनाल और ऊटी का भी प्लान है जाने का, देखते हैं क्या होगा आगे। बहुत कम वक्त में बहुत सारा घूमना है, इसीलिए पहले दिन में ही हमने 4 प्लेसेस को कवर किया था वायनाड में। अब ये दूसरा दिन है वायनाड में, तो देखते हैं आज कितने प्लेसेस कवर कर सकते हैं। अभी हम पहुँचे हैं होटल के पास, ये होटल का नाम है सफ़ा होटल। हम गए अंदर और ऑर्डर किए पूरी और चना। नाश्ता करके हम निकल गए पहली प्लेस की तरफ। मैं जब पूरी और चना खाया नाश्ते में, तो मुझे स्कूल लाइफ की याद आ गई, जब हमें ब्रेक टाइम मिलता था, नाश्ते का टाइम, तब कैंटीन जाके पूरी और चना ही हर दिन खाया करते थे, और वो भी केरला वाले ही शेफ थे। तो आज के नाश्ते से स्कूल वाली लाइफ, स्कूल की यादें ताज़ा हो गई। आज का जो पहला लोकेशन है, पहला प्लेस जो है हम विज़िट करने वाले हैं, वो है ग्लास ब्रिज। थोड़ा पहाड़ पे है वो एरिया का नाम कुछ 900 कैंडी आई थिंक। वहाँ चलते हैं और देखते हैं कैसा है। हम इस रास्ते से गुजर रहे हैं, राइट में लेफ्ट में सारा चाय की पत्ती है। यहाँ पे चाय की पत्ती बहुत लगाई जाती है वायनाड में, क्योंकि हिली स्टेशन है, पहाड़ी इलाका है, इसीलिए। वो जो आपको पहाड़ नज़र आ रहा है, अभी मैं जूम करूँगा वहाँ पे, देखिए वो राइट साइड पे जो है वहाँ पर हमें जाना है। पेट्रोल स्टेशन नज़र आया तो हमने सोचा पेट्रोल भरा ही लेते हैं, फिर पता नहीं आगे पेट्रोल मिलेगा या नहीं, तो हम पेट्रोल भरा के निकले हैं अभी वो पहाड़ की ओर। केरला में बहुत सारे छोटे छोटे गांव हैं, बहुत सारे, मतलब हर 5 किलोमीटर में आपको एक छोटा गांव मिल जाएगा। छोटे छोटे गांव बहुत सारे हैं यहाँ पे। आप लोगों ने सेकंड वीडियो देखा ही होगा केरला ट्रिप का जो मैंने अपलोड किया था, उसमें मैं लास्ट में कहा था कि मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ है, मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो अभी मैं सोचा बताने के लिए, तो जो इंसिडेंट मेरे साथ हुआ था वो ये था कि बारिश बहुत ज़ोर से हो रही थी, गाड़ी ऑन किए तो देखा सामने की लाइट ही नहीं पड़ रही थी, और लाइट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी हमें। टाइम 8:30 कुछ हो गया था, तो हमने सोचा अभी मैकेनिक शॉप भी खुला रहेगा या नहीं। फिर इधर उधर ढूंढने के बाद हमें एक मैकेनिक शॉप मिला, वहाँ जाके हमने गाड़ी उसको दिखाया, वो मिनिमम उसको 1 घंटा लगा वायरिंग करने के लिए, फिर भी नहीं हुआ। तो फिर मैंने मैकेनिक वाले से कहा कि डायरेक्ट बैटरी से कनेक्शन दे देना लाइट को, हम कोच्ची जाके ठीक कर लेंगे। फिर हमने डायरेक्ट कनेक्शन दे दिया, और जब हम निकल रहे थे उसको पैसे दे रहे थे, वो कहा नहीं पैसों की ज़रूरत नहीं है, कोई बात नहीं, आज तुम लोग बाहर से आए हो। तो इतना अच्छा बंदा था वो, पैसे भी नहीं लिया। तो फिर हम लोग निकल गए वहाँ से अपनी गाड़ी ठीक करा के रूम की तरफ। तो ये इंसिडेंट हुआ था छोटा सा। इतना खूबसूरत नज़ारा, इतना खूबसूरत है, मतलब जंगल पहाड़, मतलब माइंड ब्लोइंग। जो अभी हम जा रहे हैं उस एरिया का जो नाम है वो 900 कैंडी कुछ है नाम उसका, तो वहीं पर हम जा रहे हैं।
अभी इस एरिया में आते ही हमें जो पहला नज़ारा हमें दिखा, ये जो बहती नदी का स्वागत हुआ है इस एरिया में, हमारा वेलकमिंग एक नदी से हुआ है। इतना अच्छा नज़ारा था, नदी जो बह रही थी। थोड़ी देर हम लोग वहीं पर ठहरे थे देखते हुए। इस जो रिवर का नाम है वो है कल्लड़ी रिवर। अभी ये नदी को देखने के बाद थोड़ा सामने जाते ही राइट से एक रास्ता जाता है ऊपर पहाड़ की तरफ। वहाँ एक पार्क है जिसका नाम है एको पार्क, 900 कैंडी एको पार्क उसका नाम है। अगर किसी के पास एडवेंचर बाइक नहीं है तो उसके लिए टफ, बहुत मुश्किल है ऊपर जाना, क्योंकि 90% ऑफ द रोड तुम्हें ऑफ रोड ही मिलेगा। मतलब ऐसा तार वाला रोड नहीं मिलेगा, पूरा पत्थर पत्थर वाला ही रोड है। अगर किसी के पास बाइक नहीं है, वो ऊपर जाना चाहता है, तो नीचे जीप्स हैं खड़े हुए हैं, वो रेंट करके ऊपर जा सकते हैं। चलो पहाड़ के ऊपर चल के देखते हैं क्या क्या है देखने को और करने को, एडवेंचर वगैरह ऊपर। जो असली ऑफ रोड है यहाँ से शुरू हो चुका है। ऊपर जा रहे थे तो एक और बाइक वाले हमें नज़र आए, वो केरला से ही थे। जब मैंने पूछा केरला में कहाँ से, तो उन्होंने कहा कि कन्नूर एक डिस्ट्रिक्ट है शायद केरला में, तो वहीं से हैं। फिर साथ में हम ऊपर चढ़ने लगे। नीचे से ऊपर पहाड़ चढ़ने तक का जो डिस्टेंस है वो है अराउंड 3 to 4 kilometers हैं, और ऊपर चढ़ने तक का जो रोड है पूरा, मतलब ऐसा मट्टी वाला पत्थर वाला ही रोड है, और एडवेंचर वाला रोड था पूरा। बहुत मज़ा आया ऊपर चढ़ने में। जिसको एडवेंचर पसंद है उसके लिए बहुत मज़ा आएगा ऊपर चढ़ने में, गाड़ी को चढ़ाने में ऊपर एडवेंचर रोड में। तो ये सामने जो बाइक वाले जा रहे हैं, कहा हम दोनों साथ में ही चलते हैं ऊपर की तरफ, इजी रहेगा अगर कुछ गिरेंगे वगैरह सपोर्ट के लिए। तो हमने बोला चलो ठीक है, चलते हैं साथ में ही। एट लास्ट ऊपर पहुंच गए बहुत सारा ऑफ रोड करने के बाद। अब टिकट लेके चलते हैं अंदर की तरफ, 900 कैंडी एको पार्क। ये एंट्रेंस है, एंट्रेंस का जो डिज़ाइन है वो थोड़ा चाइना से इंस्पायर्ड हुआ है ऐसा लगता है। एंटर हुए हैं अभी अंदर की तरफ, बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है। बाइक को पार्क करके अभी हम देख रहे हैं कि क्या है इस पार्क में। अ ब्यूटीफुल व्यू फ्रॉम हियर, वो पहाड़ का बेहतरीन नज़ारा है उस पहाड़ का जो आपको सामने दिख रहा है। चलो अभी हम इस पार्क का जो मेन अट्रैक्शन पॉइंट है वहाँ जा रहे हैं, वहाँ जाके देखते हैं वो अट्रैक्शन पॉइंट और आपको भी दिखाते हैं। बारिश में ही भीगते हुए वीडियो लेते हुए हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। जो मेन अट्रैक्शन है वो है ग्लास ब्रिज। एंट्री में टिकट लेना होता है, जैसे आपने देखा है टिकट का प्राइस 200 rupees है। पहले तो मैंने सोचा इतना महंगा टिकट, फिर जब देखा 200 rupees में हम 3 to 4 एडवेंचर गेम्स हैं उसको हम कर सकते हैं यहाँ पे। पहला जो टिकट में दिया गया था वो है ग्लास ब्रिज, जो अभी हम चल रहे हैं जिसके ऊपर। आप लोग भी देखिए इतना प्यारा नज़ारा है, अगर बारिश नहीं होती तो और भी बेहतरीन नज़ारा होता, लेकिन बारिश में भी कुछ अलग वाला है यहाँ पे जो नज़ारा है, टोटली डिफरेंट फीलिंग। ऊपर से बारिश, नीचे ग्लास वाला ब्रिज। हाँ, बारिश इतनी ज़्यादा हो रही थी, भीग चुके थे हम तो, ना अम्ब्रेला था हमारे पास ना कुछ, और अलग मज़ा बारिश का भी, रहमत बरस रही थी ऊपर से, सुभान अल्लाह, इतना बेहतरीन नज़ारा था वहाँ से। तो फिर हम ग्लास ब्रिज देखने के बाद से हम यहाँ पे आए हैं। ये दूसरा वाला एडवेंचर है। ग्लास ब्रिज पर 5 minutes स्पेंड किए थे हम लोगों ने। 5 minutes स्पेंड करने के बाद यहाँ पे फ्री वॉक पे आए हैं। बारिश तो रुकी नहीं थी, अभी भी स्लो स्लो से बारिश हो रही है, लेकिन फिर भी हमने सोचा चलो अभी टाइम वेस्ट नहीं करना है हमें, क्योंकि इसके बाद हमें कोच्ची की तरफ निकलना था, इसीलिए जल्दी जल्दी हम कर रहे थे, कम वक्त में बहुत सारा एडवेंचर करने की कोशिश कर रहे थे हम लोग।
तो चलो पेड़ के आखिरी में चल कर देखते हैं कैसा है। ये सब मेरे लिए पहली बार है जो मैं एडवेंचर कर रहा हूँ, जो ग्लास ब्रिज पे गया था, अभी फ्री वॉक पे है, ये सब पहली मर्तबा मैं कर रहा हूँ ये सब कुछ, और बहुत मज़ा आ रहा था मुझे करने में। ये एडवेंचर गेम्स वाले ही वीडियोस मैं ले पाया हूँ क्योंकि बारिश इतनी हो रही थी, वीडियोस लेने ही नहीं हो रहा था क्योंकि मैं मोबाइल से शूट कर रहा था, भीग भी रहा था मोबाइल मेरा, बहुत भीग गया था मेरा मोबाइल। अभी देखो ऊपर मैंने किया तो वापस पानी पड़ गया, ऐसा भीग गया मेरा मोबाइल बहुत, इसलिए मैं कम आसपास का वीडियो ले पाया। एडवेंचर जो है उसी का मैंने वीडियो लिया। ये सब जो एडवेंचर वॉक्स हैं जिस पर अभी हम पहले वॉक किए थे ग्लास ब्रिज पर, ये दूसरा वाला जो है फ्री वॉक, और तीसरा वाला रोप वॉक जिस पर अभी मैं हूँ, और चौथा वाला जो है वो है राइट साइड पे स्काई वॉक वाला, ये सब टिकट में जो 200 रुपीज़ का जो टिकट है उसमें दिया गया है, वो लेने के बाद ये सब कर सकते हैं। और साइकिलिंग वाला भी है जिप लाइन में साइकिलिंग करने का, बारिश के वजह से उसको बंद कर दिया गया था, तो हमने ये जो चार वॉक हैं उसको मज़े से करते हुए, हम डिफरेंट फील आ रहा था मेरे को इसमें करने के लिए क्योंकि ये सब मेरे लिए पहली दफ़ा है ना, पहली बार मैं ये सब कर रहा हूँ, तो सोचा एक बार कर लेते हैं, सेकेंड टाइम पे मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो बारिश हो रही थी फिर भी हम सब ट्राई किए। अब ये जो स्काई वॉक है जिस पे हम वॉक कर रहे हैं, ये वॉक करके हम आगे की तरफ बढ़े हैं, वो सारे वॉक करने के बाद हम लोग यहाँ आए हैं गन शूटिंग और आर्चरी वाला जो गेम है वो करने को। अभी हम निकले हैं पार्किंग की तरफ, तो थोड़ा बीच में रुक गए हैं क्योंकि बारिश रुकी थी और नज़ारा बहुत अच्छा नज़र आ रहा था, तो सोचा थोड़ा वीडियो में ले लिया जाए। आज मेरा मोबाइल बहुत भीग गया है, मतलब बहुत ज़्यादा, इतनी ज़्यादा बारिश हो रही थी, इतनी ज़्यादा बारिश हो रही थी, और ऊपर से मैं शूट करना बंद नहीं किया क्योंकि वीडियोस ही होते हैं मेमोरीज कैप्चर करने के लिए, अगर फ्यूचर में घर में बैठे हैं तो कभी देख लें हमने क्या क्या देख कर आए नज़ारे, तो इसीलिए मैंने रोका नहीं अपने आप को शूट करने के लिए। बारिश में भी ये सारे वीडियोस ही होते हैं ना, मेमोरीज को ताज़ा कर देती हैं। बारिश रुकने के बाद वेदर थोड़ा अच्छा था, मतलब बहुत बहुत ही अच्छा था, अच्छा नहीं, बारिश में भी अच्छा था, मुझे बारिश बहुत पसंद है, आई लव टू ट्रैवल बारिश में। अभी हम नीचे की तरफ जा रहे हैं, जो 3-4 किलोमीटर ऊपर की तरफ गए थे अभी 3-4 किलोमीटर नीचे की तरफ जा रहे हैं, तो सारा एडवेंचर करने के बाद, एडवेंचर वॉक हो गया या फिर दो गेम हो गए हैं वो सब करने के बाद, बारिश में भीगते हुए हम नीचे की तरफ जा रहे हैं। ये देखो कैसा कीचड़ कीचड़ था पूरा रोड। अभी हम एट लास्ट नीचे की तरफ आ गए हैं, अभी हम नेक्स्ट लोकेशन की तरफ जा रहे हैं, सुचिप्रा वाटरफॉल, और उससे पहले एक जगह है वहाँ पे एक और एडवेंचर वाला गेम है जो जिप लाइनिंग वाला, उसको करते हैं जाके। तो मैंने सोचा लंबा हो जाएगा वीडियो, तो मैंने कट कर दिया वीडियो को यहीं पे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए चलते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दें, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।